Hey my dear students, what's up? I hope you are so very cool and very happy, and you are enjoying my video every time, and you are keeping learning, right? और ऐसा करते रहो क्योंकि धीरे 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 आप देखना बहुत कुछ सीख जाओगे. एंड वेल आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो वेरी कूल, बट येस आई विल बी मोर कूल एंड मोर हैप्पी दैट टाइम इफ यू आर लर्निंग समथिंग एल्स फ्रॉम माई वीडियो. अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हो और उसको लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हो तो शायद मैं कहीं ना कहीं और ज़्यादा हैप्पी हो जाऊँगा. सो ऑलवेज कीप लर्निंग, है ना? और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अपना नॉलेज शेयर करो. आगे की चीज़ मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, बट अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट टाइम मीन्स पिछले बार जो हमने वीडियो में जो हमने देखा था, जो हमने सीखा था, आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है और नेक्स्ट टाइम इसी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट होंगे. तो हम आज का वीडियो देख लेते हैं कि आप हमेशा याद रखना कि टाइम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और टाइम से रिलेटेड ही हमने कुछ सीखा था. लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था कि कोई भी चीज़ अगर होता है टाइम के अनुसार, जैसे साल में होता है, मंथली में होता है, वीकली में होता है, डेली होता है, या 50 साल बाद होता है, 10 साल बाद होता है, तो उसको हम इंग्लिश में एक शब्द में क्या बोलेंगे, वन वर्ड में क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक में क्या बोलेंगे और वर्ड्स में क्या बोलेंगे. न्यूमेरिक में क्या बोलेंगे? आफ्टर 10 ईयर्स. और वर्ड्स में क्या बोलेंगे? आफ्टर ए डिकेड. 5 साल बाद वो न्यूमेरिक हो गया, और वर्ड्स में क्या बोलेंगे? आफ्टर हाफ डिकेड. तो ये चीज़ हमने सीखा था. और आज हम क्या सीखेंगे उसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. मान लो सपोज दैट यू हैव टू फ्रेंड्स, राइट? दो फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड आपके साथ ही स्टडी करते हैं, आपका क्लासमेट है, पर आफ्टर 12th आप अपने स्टेट में रहने लगे और दोनों फ्रेंड अपने अपनी स्टेट के बाहर चले गए, और दोनों फ्रेंड फॉरेन कंट्री में रहते हैं, दोनों फ्रेंड स्टडी करते हैं. एक फ्रेंड मान लो आपसे जब भी इंडिया में आते हैं तो आपसे मिलने आते हैं, लेकिन उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है. वो कभी मंथ में आ जाते हैं, कभी वीक में आ जाते हैं, कभी साल में आ जाते हैं, कभी 2 साल बाद आते हैं, कभी 5 साल बाद आते हैं. ज़रूर इंडिया में जब भी आते हैं तो ही यूज़ टू कम टू मीट विथ यू. ये तो एक फ्रेंड हो गया जो हमने पिछले बार सीखा था कि अगर मंथ में आ रहे तो उसको हम बोलेंगे मंथली, वीक में आ रहे तो उसको बोलेंगे वीकली, राइट? बट आज हम सीखेंगे कि कोई फ्रेंड, दूसरा जो फ्रेंड है वो उसका एक फिक्स टाइम है, वो हर 2 साल बाद ही आपसे मिलने आते हैं, या फिर मान लो वो हर 3 महीने बाद आपसे मिलने आते हैं, या फिर मान लो वो हर 4 साल बाद आपसे मिलने आते हैं. यानी आज के टॉपिक पे हम सीखेंगे कि जब भी टाइम के पहले अगर हर वर्ड आता है हिंदी में, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एवरी वर्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे. 50% सिमिलर है लास्ट टाइम के वीडियो और आज के वीडियो के हिसाब से, बट आपको थोड़ा सा वर्ड्स में डिफरेंट मिलेंगे. और ये भी उतना ही आसान है जैसे लास्ट टाइम वीडियो था कि इफ़ यू लर्न अ वर्ड इन अ 1 मिनट, तो आपको आज के वीडियो में 21 मिनट्स देना है. और अगर आप टू वर्ड्स 1 मिनट में याद कर रहे हो तो आपको आज के वीडियो में सिर्फ देना है 10 मिनट्स 30 सेकेंड्स, यानी मान लो ऑलमोस्ट 11 मिनट्स. सो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे वीडियो के फर्स्ट में आपको इंट्रो मिलेंगे मेरे कोर्स मटेरियल का, जिससे आपको हेल्पफुल ये हो जाएंगे कि आप क्या क्या सीखने वाले हो या फिर आप क्या क्या सीख चुके हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. और सेकेंड सर्कल में मेरा वीडियो रहेंगे, इसके बाद ही आपको पूरा इसकी सॉफ्ट कॉपी, मतलब ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी मिल जाएंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे, और देन आफ्टर ऑफकोर्स आंसर शीट, राइट? तो आप इसको लास्ट तक देखना क्योंकि इनकम्प्लीट एजुकेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी मच डेंजरस फॉर ऑल ऑफ आस. ओके, सो विदाउट गेटिंग लेट हम देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम नया क्या सीखने वाले हैं. ओके, सो लेट्स गेट रेडी माई डियर. सो यहाँ पे आप देख लो कि मैंने कुछ लिखा है. बाय द वे पिछले बार का जो वीडियो था उसको हम टाइम पीरियड्स बोलते हैं, और आज का जो वीडियो है इसको हम बोलेंगे टाइम इंटरवल्स. ठीक है, वो टाइम पीरियड्स था और ये टाइम इंटरवल्स है. दोनों को मिला के आप कह सकते हो कि आज हमने टाइम सीखा. तो यहाँ पे भी आप देख लो, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है. सीरियल नंबर है, इधर वो टॉपिक है, उसको एक शब्द वर्ड्स में क्या बोलेंगे, ये न्यूमेरिक है. सिमिलरली इधर भी
सीरियल नंबर, न्यूमेरिक्स एंड इधर वर्ड्स. ओके, सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैं आपको इधर से समझा देता हूँ कि जैसे कि मान लो एवरी डे या डेली और ईच डे कोई भी चीज़, कोई घटना हो, कोई हैबिट्स हो, कोई फ्रेंड हो, कुछ भी एनीथिंग एल्स जो रोज़ होता है, एवरी डे या डेली होता है या ईच डे होता है, तो उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ज्यूर्नल. इसको क्या बोलेंगे हम, ज्यूर्नल. जैसे आपने कहा इट हैपेंस डेली, तो आप उसको बोल सकते हो इट हैपेंस ज्यूर्नल. या फिर आपका डेली हैबिट क्या है, व्हाट इज़ अ डेली हैबिट, तो आप उसको बोल सकते हो व्हाट इज़ अ ज्यूर्नल हैबिट. ठीक है, तो ये हो गया ज्यूर्नल. ये एडवांस वर्ड है, इट इज़ वेरी मच ब्यूटिफुल वर्ड्स फॉर इम्प्रेसिंग टू समवन एल्स व्हेन यू आर इन कम्युनिकेशंस एटमोसफियर, राइट. नेक्स्ट आता है ट्वाइस अ डे. ये हर दिन होता है, जैसे मैंने कहा था आज का हम क्या सीखेंगे, इंटरवल. कोई फ्रेंड हो रोज आते हैं तो उसको क्या बोलोगे, ज्यूर्नल फ्रेंड. और कोई फ्रेंड हर दो दिन में दो बार होता है, दिन में एक दिन 24 घंटे होते हैं उसमें दो बार कोई चीज़ होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी ज्यूर्नल. और कोई चीज़ अगर दिन में तीन बार होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्री ड्यूर्नल. मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पर ज़्यादातर यूज़ यही होता है कि दिन में अगर कोई चीज़ दिन में होता है एक बार तो उसको हम बोलेंगे ज्यूर्नल, और दिन में अगर दो बार होता है तो उसको हम बोलेंगे सेमी ड्यूर्नल. उसके बाद आता है हफ्ते में एक बार हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीकली. हफ्ते में दो बार हो तो उसको हम बोलेंगे बाई वीकली. ठीक है, अगर 7 दिन में एक बार होता है तो उसको बोलेंगे ना वीकली. जैसे एग्ज़ाम आपका पेपर हो रहा है या फिर आपको कोई मेडिसिन लेना है या फिर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो उसको बोल सकते हो वीकली एक्सरसाइज या वीकली पेपर. और अगर हफ्तों में दो बार होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाई वीकली. कोई शो हफ्ते में दो बार आता है तो उसको बोल सकते हो बाई वीकली टीवी शो. इसी प्रकार मान लो वीक में 3 बार होता है कोई चीज़ तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्री वीकली. मान लो आप कहीं जॉब करते हो, आपके सैलरी हफ्ते में 3 बार दिया जाता है एक दिन छोड़ छोड़ कर, या फिर कोई शो आता है वो हफ्ते में 3 बार होता है, या फिर आपकी कोई हैबिट है आप हफ्ते में 3 बार जाते हैं कोई क्लासेस, बाकी दिन आप नहीं जाते, तो उसको आप कह सकते हो ट्री वीकली क्लासेस. ठीक है, उसके बाद मंथ में आते हैं. ये हो गया डे का, ये हो गया वीक का, अभी ये मंथ का. कोई चीज़ अगर मंथ में एक बार होता है तो उसको हम बोलेंगे मंथली. कोई चीज़ अगर मंथ में 2 बार होता है तो उसको हम बोलेंगे बाई मंथली. देखो सेम है, यहाँ पे भी बाई, यहाँ पे भी बाई. और कोई चीज़ अगर मंथ में 3 टाइम्स होता है, थ्राइस मतलब होता है 3 बार, ट्वाइस मतलब होता है 2 बार, वंस मतलब होता है 1 बार, ट्राइस अ मंथ, इसको बोलेंगे हम ट्री मंथली. इसके बाद साल आता है ईयर. अगर कोई चीज़ साल में एक बार होता है तो उसको हम बोलेंगे एनुअली. जैसे आपने देखा होगा एनुअल एग्ज़ाम, एनुअल पेपर, है ना. और कोई चीज़ साल में 2 बार होता है तो उसको हम बोलेंगे बाई एनुअली. तो ये बहुत इजी है, आप इसको बहुत इजी वे में याद कर सकते हो. ये मैंने एक सिस्टमेटिक वे में रिसर्च करके यहाँ पे लिखा है ताकि आपको याद करने में, लर्निंग करने में इजी हो. तो ये तो हमने देख लिया कि 1 बार 2 बार 3 बार इस तरीके से दिन का 2 है, वीक का 3 है, मंथ का 3 है और साल का 2 है. इसको आप इजीली याद कर सकते हो. ट्वाइस के बारे में हमेशा बाई आएंगे, वंस के बारे में नॉर्मल रहेंगे, ट्राइस के बारे में ट्री आएंगे. अब जो मैं चीज़ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, क्योंकि ईयर भी ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको टॉपिक भी एडवांस हो जाएंगे. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है. 2 साल तक तो हमने देख लिया कि कोई चीज़ अगर 2 साल में एक मतलब ट्वाइस अ ईयर मतलब साल में 2 बार होता है, 1 साल में 2 बार. अब हम क्या करेंगे, एवरी 3 ईयर्स. कोई चीज़ हर 3 साल बाद होता है. मैं 3 साल बाद मतलब एवरी क्यों लिखा, मान लो कोई एक घटना है, कोई एक त्यौहार है, कोई एक मोमेंट है जो हर 3 साल बाद आते हैं. आज हुआ, फिर 3 साल बाद आएंगे, फिर 3 साल बाद आएंगे. इस वाले टॉपिक में हम एवरी वर्ड मैंने इसलिए लिखा है. तो एवरी 3 ईयर्स में कोई चीज़ होता है तो उसको बोलेंगे ट्रीनियल, ट्रीनियल. ठीक है, एवरी 4 ईयर्स. कोई चीज़ हर 4 साल बाद होता है तो उसको हम 2 वर्ड बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं ओलम्पियड, या तो हम ओलम्पियड बोल सकते हैं, और क्वाड्रेनियल. जब भी एवरी वाला वर्ड आएगा ना तो ध्यान रखना इसमें नियल लगाना आपको, नियल. ठीक है, एवरी 3 ईयर्स के बोलेंगे हम ट्रीनियल, एवरी 4 ईयर्स के लिए हम लिखेंगे ओलम्पियड और क्वाड्रेनियल.
इसके बाद एवरी 5 ईयर्स कोई चीज़ हर 5 साल बाद बाद होता है, घटना, एग्जाम, लाइफ, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वीन क्यूनियल, ठीक है। एवरी 6 ईयर्स में उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सिनियल, कोई चीज़ अगर हर 6 साल बाद बाद होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सिनियल। एवरी 7 ईयर्स, हर 7 साल बाद बाद अगर कोई घटना होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टिनियल। एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल बाद बाद कोई चीज़ अगर आपके सामने होता है, आपके साथ होता है, किसी और के साथ होता है, आप लोगों के सामने कोई घटना होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिनियल। एवरी 20 ईयर्स तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाइसेनियल, ठीक है। एवरी 100 ईयर्स तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेंटिनियल। एवरी 150 ईयर्स, 150 साल बाद बाद कोई चीज़ अगर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेस्क्विसेंटिनियल। एवरी 400 ईयर्स, 400 साल बाद कोई चीज़ अगर होता है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रीसेंटिनियल, ठीक है। और लास्ट आता है एवरी 500 ईयर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वीनसेंटिनियल, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों के लिए ये वर्ड बहुत डिफरेंट होगा, थोड़ा न्यू होगा, और आपने देखा होगा जैसे जैसे वर्ड ये जो न्यूमेरिक बढ़ता गया तो वैसा वैसे ये वर्ड भी इंक्रीज होता गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर एडवांस सीखोगे तो आपका वर्क भी एडवांस होगा। जैसे कहते हैं ना कि सैलरी ज़्यादा चाहिए, पैसे ज़्यादा चाहिए तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। आप देखो अगर 500 ईयर्स है तो इसका वर्क कितनी हैवी है, इन लोगों का वर्क कितनी हैवी है, तो आप इसको याद कर सकते हो। बेनिफिट क्या है, आप ऐसा बोल सकते हो कि हर 10 साल बाद बाद वो अपना ये जो शेप है ये शेप बदल जाता है, ठीक है। तो आप उसको बोल सकते हो एवरी डेसिनियल इसका शेप बदल जाता है। आपने कितना शॉर्ट में बोल दिए। आप ऐसा कह सकते हो कि 5 साल बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स वी आर मीटिंग ईच अदर। तब उसको सर बोल सकते हो आफ्टर क्विनक्यूनियल वी आर मीटिंग ईच अदर। तो डियर ये वर्ड्स काफ़ी अच्छा है, इसको अब याद कर लो। जैसे कि मैंने पिछले बार भी कहा था कि इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस जहाँ पे न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक के जगह आपके ये वर्ड यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस फीलिंग होगा, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, ठीक है। इसके बाद आपको एक इनकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएंगी, फिर आपके इसके इसी से रिलेटेड कुछ पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर, उसको आप शॉर्ट आउट कर लो। तो आई होप दैट विल बी वेरी मच बेनिफिट फॉर यू, राइट। एंड आज का जो थॉट्स ये है, जैसे मैं हमेशा देता हूँ, क्योंकि थॉट्स हमारे लाइफ में एक गुड वे देते हैं, थॉट्स ये है कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो एवरी टाइम को आप यूटिलाइज करो, क्योंकि अगर आप टाइम की रेस्पेक्ट करोगे तो टाइम कहीं ना कहीं आपको रिटर्न गिफ्ट भी देगा। सो यूटिलाइज टाइम एंड लर्न समथिंग एंड चेंज द वर्ल्ड, क्योंकि एवरी जनरेशन डिपेंड्स टूडेज। सो इफ़ यू डू समथिंग एल्स टूडे तो डेफिनेटली कल भी अच्छा ही आपके लिए होगा। I hope you have understood this video, you have understood these aspects what I have told on this today's video. आप इसको सीखो, learn करो एंड दूसरों को share करो। अगली बार फिर मैं एक new topic लेकर आऊँगा, एंड तब तक के लिए सिया सिया माई डियर, एंड कीप स्माइलिंग एंड हैव अ गुड नाइट।